हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। और मुझे याद है जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला था, मुझे लगा था कि रातों रात ही एकदम से बहुत बड़ा बन जाएगा। मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग मुझे देखने लगेंगे, क्योंकि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मुझे लगा था कि अगर मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ तो लोग अपने आप ही आ जाएंगे, कि मैं इतनी वैल्यू दूंगा इस चैनल से कि ये चैनल अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था, सारी फैमिली और फ्रेंड्स कह रहे थे कि मैं सक्सीड करूंगा, और मुझे लगा कि मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊं। और इसी चीज़ को ईगो कहा जाता है, और यही चीज़ हम सब लोगों को पीछे रोकता है। रायन हॉलिडे के हिसाब से, जिन्होंने ईगो इज द एनिमी लिखी है, बहुत आसान है हम लोगों के लिए वैलिडेशन जंकीज बनना। वैलिडेशन जंकी का मतलब है कि हम लोग तारीफ के पीछे भागने लगते हैं। जब भी आप एक फेसबुक अपडेट करी तो आपको और अच्छा लगता है, हर लाइक से आपको अपने बारे में और अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि और बड़ी चीज़ करते रहो सैटिस्फाइड फील करने के लिए। और हाँ, मैं भी इसी ट्रैप में फंस गया था। जब भी मैं एक वीडियो बनाता था तो मैं सोचता था कि उस वीडियो का पिछले वीडियो से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, वरना मुझे लगता था कि मैं ग्रो ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये असली में सच है? चलिए देखते हैं। इस बुक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस्पिरेशन, सक्सेस एंड फेलियर। तो पहला पार्ट है जिसमें मैं हूँ और मुझे लगता है कि आप ज्यादातर लोग होंगे। इसको कहते हैं एस्पिरेशन। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम लोग कुछ बनना चाह रहे होते हैं। वो यंग स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहती है, या वो आर्टिस्ट जो बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा होता है, ये ऊपर की चढ़ाई है सक्सेस की तरफ। यही वो रेस है जिसमें हम सब लोग दौड़ रहे हैं। इस फेज में बहुत आसान होता है अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना, अपनी छोटी सी कंपनी का सीईओ बन जाना, या इस बारे में सोचना कि आपकी कितनी अच्छी बॉडी बन जाएगी जिम के एक दिन ज्वाइन करने के बाद। इस स्टेज में हम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगते हैं। जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि मुझे हर चीज पता है इस तरह के वीडियोस बनाने की, एनिमेशंस के साथ। लेकिन मैं तो गलत था। और अगर आप मेरे चैनल पे भी देखें, मेरे शुरू के वीडियोस और मेरे आज के वीडियोस में बहुत अंतर है। और यही चीज एग्जांपल देती है, आपको कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचने लगे कि आपको हर चीज पता है तो फिर आप कोई भी चीज नहीं सीखेंगे। आपको हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना होगा, डाउन टू अर्थ रहिए और हमेशा नई नई चीजें सीखते रहा करिए। किसी भी फील्ड के सबसे ज्यादा हुनर वाले लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। सिर्फ नौसीखे लोग ही सोचते हैं कि उनको हर चीज पता है, जो एक्चुअली में प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि उनको कभी भी हर चीज नहीं पता हो सकती। और बुक के इस पार्ट से सबसे बड़ा लेसन जो मैंने लिया वो ये है कि अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया से बाहर निकल जाओ। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अपने कान में ईयरबड्स लगा के म्यूजिक सुनता था और बादलों को देखते हुए चलता रहता था। मुझे लगता था कि मैं एक मूवी में हूँ। मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी होगी। मैं इमेजिन करता था मैं कितने इंटरव्यूज दूंगा और लोगों को अपनी शुरुआत के बारे में बताऊंगा। मैं तो अपनी बायोग्राफी अपने सर में लिख लेता था 15 सेकंड में। ये सब ईगो होता है, और जितना जल्दी आप इसको छोड़ देंगे उतना जल्दी आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और सक्सेस को अचीव करने का असली तरीका है सिर्फ काम करना, और सिर्फ थोड़ा ही काम नहीं, बहुत ज्यादा काम। और यहीं पे आप अपना ईगो लूज कर पाएंगे और आपको असली ताकत मिलेगी। तो सेकंड पार्ट इस बुक का है सक्सेस का, कि जब आप मेहनत करके सक्सेस पा लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर रहने के लिए भी। और जब आप पहाड़ के सबसे ऊपर हो और आप सिर्फ अकेले हो तो सिर्फ एक ही इंसान आपको नीचे गिरा सकता है, और वो है आपका ईगो। कभी भी अपने ईगो को ये ना बताने दीजिए कि आप कहीं भी पहुंच गए। जैसे ही आप ये सोचने लगे कि अरे यार अब तो मेरा हो गया सब काम, तभी आप सीखना बंद कर देंगे। आपने मेहनत की है जहाँ तक आप हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर आप मेहनत करना बंद कर देंगे तो आप वापस वहीं चले जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और फिर हम लोगों को ये याद दिलाते हैं कि अपने आप को एक कहानी ना बताया करो अपने दिमाग में। हम सब लोग एक गलती करते हैं ये सोच कि जो लोग बहुत बड़े बने हैं उन्होंने जानबूझ के बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। काफी बार तो ऐसे ही होता है, कोई एक मेहनत करता चला जाता है सही डायरेक्शन में और एक कदम के बाद दूसरा कदम रखते हैं और बस इतना ही करते हैं। लोगों का कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं होता है, तो कोई बहुत बड़ी डेस्टिनी इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेनेका हम लोगों को याद दिलाते हैं अ ग्रेट डेस्टिनी इज ग्रेट स्लेवरी। और जब भी आपको लगे कि आपका ईगो बहुत बड़ा हो रहा है तो हमेशा ये याद रखिए कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और ये बात जरूर याद रखिए कि हम लोग इस यूनिवर्स में मिट्टी के एक दाने से भी छोटे हैं। आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है इस बड़ी सी दुनिया में। और इसी वजह से जब आप उल्टी तरीके से इस बात को समझ लेंगे तो आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंग दे पाएंगे। और रायन हॉलिडे ने एक बात ऐसी बताई इस बुक में जिससे मेरा दिमाग एकदम घूम गया। क्लियोपैट्रा, शायद आपने सुना होगा, जो इजिप्ट की बहुत बड़ी एम्परर थी, वो हम लोगों के ज़माने से ज़्यादा पास रही हैं एज कम्पेयर टू जब पिरामिड्स बनाए गए थे जिसके लिए उनका कंट्री जाना जाता है। हम लोग भूल ही जाते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री कितनी बड़ी है, और ये तो छोड़ ही दो कि इस यूनिवर्स की हिस्ट्री कितनी बड़ी है, कि हम लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का कोई मतलब होता ही नहीं है। हमेशा ये याद रखिए कि जितना भी आप ऊपर जाएं उतना ही जोर से आप नीचे गिरेंगे। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए और अपना ईगो कम रखिए, चाहे आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं।
और बुक का आखिरी पार्ट है फेलियर। सोसाइटी ऐसा कहती है कि अगर आप सक्सीड नहीं करते हैं तो आप फेल करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा होता है कि अगर आप नहीं सक्सीड करते तो आप कुछ सीखते हैं, लेकिन हम लोगों का ईगो ये हम लोगों को नहीं रियलाइज करने देता है। आपका ईगो आपको फील कराएगा कि बुरी चीजें सिर्फ आप ही के साथ होती हैं, यही आपको बोलेगा कि यार अब बस हो गया। ईगो की वजह से ही आप रोएंगे अगर सारी चीजें सही से नहीं हुई। ईगो की वजह से ही सेलिब्रिटीज रिपोर्टर्स को मार देते हैं जब उनसे कोई बेवकूफी का क्वेश्चन पूछा जाता है। फेलियर आपको एकदम तोड़ सकता है या फेलियर आपको कुछ सिखा सकता है। कैसे आप डील करते हैं फेलियर से यही बताएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। और सबसे अच्छा तरीका फेलियर से डील करने का यह है कि अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को ही बदल दीजिए। मैं आपको बताता हूँ मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा काम करी। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मुझे पता हो कि मैंने अपनी ताकत में जो भी करना था कर लिया। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेरे मॉरल्स को साथ में रख के, और फिर उसके बाद जो भी हो उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बस इतना ही है, काम करिए और बाकी सब भूल जाइए, और यही बार बार करते रहिए। कभी भी इतना ना सोचिए कि मुझे फेमस होना है, मुझे बहुत ताकतवर बनना है। बस मेहनत करिए और वहीं पे चीज़ें छोड़ दीजिए। हम लोगों को ऑथर बुक के एंड में ये बोलते हैं कि हमेशा चीज़ों को प्यार से देखा करिए, हर चीज़ के साथ ज़िंदगी में प्यार से आइए, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन है ही क्या। नफरत करना सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही होती है। चीज़ों को प्यार करके ही आप अपने आप को सही कर सकते हैं और अपने फेलियर्स को लर्निंग मोमेंट्स बना सकते हैं सक्सेस के लिए। और हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी मुकाम पे आप पहुंच जाएं, ईगो इज द एनिमी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये एक्चुअली एक पुराना वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा अच्छी क्वालिटी के साथ एक बार फिर से बना दूं। मैं होप करता हूं आप लोगों ने ये एंजॉय किया, और अगर ऐसा है तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।